हेलो गाइस, ये मेरा हॉस्टल। हॉस्टल का टूर अभी देते हैं भाई आपको। ये बॉयज हॉस्टल है, जो कि ये भाई इसमें रहते हैं। और वहाँ मधुमक्खी लग गया है सामने में, गेटे के सामने में लग गया है। कितने दिन से लगा है? 4 महीने। किसी को काटा नहीं अभी तक? काटता है लेकिन दवाई सब पॉकेट में ही रखते। अच्छा, मतलब मेडिकल कॉलेज आइए है, रूम में दवाई है, जैसे ही काटा पीस खा ली, ठीक हो जाता है। तो आप सही है भाई, नहीं देते हैं कोई सूजन नहीं कुछ नहीं। अभी देख लो भाई, इस तरह का है नज़ारा यहाँ। एकदम सीनेरियो बहुत अच्छा है, एकदम हरा हरा और बहुत अच्छा लगता है देखने में ये सब सीन। हाँ, जैसे कि दिखाते हैं आपको, देख लीजिए पूरा तार गाछ पूरा भरा पड़ा है। इस तार गाछ के पीछे गांव है, जो कि हम लोग को बिल्कुल नहीं दिख रहा है। ये भाई बताते हैं लाइट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता है यहाँ। लाइट का प्रॉब्लम रहता है गांव में, क्योंकि वोल्टेज कम रहता है। जैसे हम लोग में बहुत पुराने में जाता था, हम लोग के पास ट्रांसफार्मर है, तो कॉलेज में तो एक रत्ती टेंशन नहीं। और ये क्या है ये सामने जो दिख रहा है? ये लाइटनिंग के लिए है, अगर कभी बिजली गिरे कॉलेज पे तो अब मतलब बिजली डायरेक्ट जमीन पे चले जाएगा। हाँ, कॉलेज का बिल्डिंग को कोई इफेक्ट नहीं पड़े। तो यही सीन था, और पूरा वहाँ से लेकर के और आगे एक जियो का टावर लगा है और वही सिम सिर्फ चलता है। अब आपको जूम करके थोड़ा दिखा देते हैं। ये सामने में जो दिख रहा है ये मेडिकल कॉलेज है। कॉलेज है हमारा, यहीं पे हम लोग पढ़ते हैं। अच्छा, अभी जो जूम करके आपको दिखा है ये कॉलेज है भाई का, और हाँ यही स्टडी होता है। और बाकी उधर स्टाफ रूम है, जैसे कि आपको जूम करके दिखा रहे हैं। ये सामने जो दिखा ये स्टाफ रूम है, और फिर ये वाइट वाला जो आपको दिखाएंगे ये गर्ल्स हॉस्टल है, जो कि अभी 3 है और बॉयज़ हॉस्टल 1 है। हर बैच में गर्ल्स यहाँ 2 गुना 3 गुना है, 10 लड़का है तो 25-30 लड़की है। तो जिससे होता है कि गर्ल्स हॉस्टल ज़्यादा बनाना पड़ा है। और ज़्यादा है तो फिर भी गर्ल्स हॉस्टल में इस बार सीट थोड़ा कम गया है, तो एक नया हॉस्टल बन रहा है। नया हॉस्टल फिर से स्टार्ट है के लिए। हम लोग के लिए ये एक ही काफ़ी है भाई। ये रूम का पैसा कुछ खास लगता नहीं है, 150 रुपया महीना है। बताइए, 150 रुपया महीना रूम का है बस। हाँ, ये है कि खाना जो है ना अलग से आपको मंगाना पड़ेगा, उसके लिए कुछ 3000 या कितना चार्ज है? प्राइवेट मेस चलता है और प्राइवेट मेस में 3100 रुपया महीना है, और खाना वो अच्छा देता है। हाँ, खाना वाकई में लगा अच्छा। रात को पनीर मिला था, मजा आ गया था, काफी मसालेदार अच्छा पनीर था। वहाँ से गेट है जो वहाँ पे होम गार्ड है, सरकारी होम गार्ड है, 25-30 है, 25 होम गार्ड है, कई सारे प्रोफेसर्स हैं और अलग अलग डिपार्टमेंट। अभी हो सके तो डिपार्टमेंट का भी टूर लेंगे। हाँ, हो सके तो। अभी भाई का एग्जाम है, कल तो आए हैं शादी से और आज हमारा एग्जाम है। इसीलिए थोड़ा सा इधर उधर है, नहीं तो काफ़ी सारा अभी अच्छे से घूम देखना और घूमना बचा हुआ है। हाँ, तो यही था। कोशिश करेंगे कि दोस्त अगर टाइम मिले तो आपको अच्छे से और टूर देंगे। ये अपना रूम है बॉयज हॉस्टल का। अरे मधुमक्खी किधर भाग गया? हाँ, यहाँ कुछ नहीं करती है, बहुत प्यारी मधुमक्खी है, 4 महीने से हम लोग के साथ है। एक आध बार काटी है लेकिन दिक्कत नहीं होता है, क्योंकि एपिस होम्योपैथिक एक मेडिसिन है, रखते हैं साथ में। जैसे ही काटती है 2 बूंद मार लेते हैं, 2-2 घंटा पे 3 बार ना सूजन होता है, थोड़ी देर बाद दर्द भी खत्म हो जाता है। लेकिन ये करता कुछ नहीं है। हाँ, जैसे अभी बोले थे ना मधुमक्खी के बारे में, आप मजाक सोचे होंगे लेकिन नहीं भाई, सीरियस है। देख लो पूरा बड़ा छत्ता लगा के रखा है, और हम लोग इतना नज़दीक से भी हैं फिर भी वो लोग कुछ नहीं करता। उसको भी आदत हो गया कि हम लोग के बीच में रहते। वो जानता है, लड़का है, बच्चा है भाई। अगर कुछ करेंगे तो ये हमारा घर तोड़ देगा। हाँ, फिर तो भाई हो गया ये, फिर इधर अपना रूम हो गया, भाई रूम खोलते हुए। लड़कों का रूम तो होता ही है। हाँ, देख हर चीज डिसअरेंज है, अच्छा देता है सरकार, हम लोग गंदा बना देते हैं। हाँ, थोड़ा लाइट कट गया इधर से, ये सीन है भाई, पूरा देख सकते हो। हम लोग का रूम का ब्लॉगिंग, ये रूम का ब्लॉगिंग है भाई, इस तरह है। ऊपर से लेकर के नीचे दिखा देते हैं क्या क्या है। भाई का अलमीरा है अपना। ये इधर भूषण भाई का घर है, घर नहीं तो बेड है, बेड है। ये स्टडी टेबल हो गया, और इधर आर्यन का है। चलो भाई, यही था होम टूर।
मतलब कि रूम टूर और साथ में हम भी हैं, ऐसा नहीं रहे कि भाई हम दोनों दोस्त हैं साथ में, 12th में पढ़े थे, 7 साल बाद भेंट हो रहा है भाई से। जीता भाई। अभी हम लोग टॉप फ्लोर पे हैं, उसके नीचे देख सकते हो टोटल से 1 2 3 मतलब 3 मंजिल का है ये हॉस्टल, 1 2 3 हाँ 3 मंजिल का हॉस्टल है, जो कि हम लोग टॉप पे हैं, मतलब 3रे मंजिल पर हैं। तो यही सीन है। और इधर सर है, ये हमारे फ्रेंड है, ये फ्रेंड है भाई। ब्लॉग बन रहा, आ जाओ ब्लॉग बन रहा कुछ बोल। बताइए सर, क्या है, मस्ती चल रहा है अभी? अभी तो एग्जाम टाइम चल रहा है। हाँ आज तो एग्जाम है ना आपका? हाँ तो 1 बजे आएंगे, फिर उसके बाद फिर घुमाएंगे ये दोनों भाई हम लोग को। बिल्कुल बिल्कुल आइए, कैंपस देखिए, पूरा कैंपस घूमना है भाई। ऐसे तो रात भर खूब मजा आया इधर। यहाँ का जो है स्टूडेंट है ना, पूरा भाई भाई दोस्त की तरह है भाई, पूरा मजा आ जाता है मिल के। ऐसे भी लड़के दोस्त होते ही है क्या? ये हॉल है जहाँ सभी जूनियर, सभी हम लोग से जो इमीडिएट जूनियर है वो रह रहा है। अच्छा, ये जो हॉल आपको दिखा तो ये अभी जूनियर है भाई से, और ये विद्या भाई जो है ये अभी सीनियर है इन लोगों से 1 साल। हाँ, और ये गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। और फिर ये नीचे का था सीन, ये मेस का एरिया है जहाँ खाना, मतलब खाना होता है। हाँ लेकिन हम लोग में तो है कि मेस के स्टैंड बना देते हैं। हाँ ये कि स्टैंड लग रहा। हाँ जैसा कि आपको लग रहा है अभी भी बहुत कम है, अभी और सारा बाइक आएगा, बहुत सीनियर नहीं आएगा। हाँ अभी तो बहुत सारा सीनियर नहीं आया, ये फुल हो जाएगा। और ये मेस था जो आपके यहाँ पे खाना खाने के लिए था, लेकिन अभी तो बाइक स्टैंड बना दिया, सब अपने अपने खाना अपने रूम में खाते हैं। तो अभी चल रहे हैं चाय पीने के लिए, सुबह का मज़ा आ जाएगा। अब भाई यहाँ बंद कर देते हैं, अजीब लग रहा है। बनाते तो हम इतनी स्पीड में जाएंगे। बना लेते तो मना नहीं करेगा कोई? चलो सही है फिर। और इधर ये एरिया है, अभी अभी हाल फिलहाल ये पौधा लगा है। अभी हम लोग टपरी पे जा रहे हैं चाय पीने के लिए। हाँ इसी कॉलेज में पढ़ाई होता है ना, क्या कॉल आया? और इधर वॉलीबॉल खेलता है भाई, शाम को पूरा खेला था। हम लोग टपरी पे आए थे गाइस, ये टपरी था, टपरी तो बंद है, और फिर वापस जा रहे हैं। ये जो हॉस्पिटल है यानी कि मेडिकल कॉलेज है, ये थोड़ा गांव एरिया में है, हम लोग शहर से लगभग 10 किलोमीटर अंदर है। तो अभी थोड़ा सा चलते हैं, इधर घूमते हैं, जैसे कि आपको रास्ता देख के पता चल ही रहा होगा धान लगा है भाई, मुख्य खेती इधर का धान ही है। बहुत अच्छा मौसम में ऐसे गाड़ी चलाने में भी बड़ा मजा आता है। अब देखो रोड कितना मस्त आ गया। और यहाँ पे जैसे हटिया में कई सारे दुकान कॉलेज में वजह से चल रहा है, यही सब दुकानदार को मेडिकल कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज कोई भी बड़ा कॉलेज हाँ।
ऐसे जगह पे बनाता है कि उस जगह का भी डेवलपमेंट अच्छे से हो।